समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद हैं। एक बोर्ड लगाया है, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई, और वो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर, भावी प्रधानमंत्री क्या दावेदारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट हैं, और देश के प्रधानमंत्री को भी जब प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात से उत्तर प्रदेश आए थे, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के दिखाया था। हम समाजवादियों का वो सपना था जो सपना पूरा नहीं हो सका कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो सपना है अधूरा कि समाजवादी नेता कोई देश का प्रधानमंत्री बने, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम सब लोग देखना चाहते हैं कि देश प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, आदिवासी की आवाज को उठाती रही है। समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे देश में, और बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराए, इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा के इस देश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाई। अखिलेश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री चाहती है और दल अपने प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो क्या अखिलेश जी अब चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, इंडिया गठबंधन ने अभी किसी चेहरे को आगे नहीं किया है, लेकिन 90 के दौर में हमने देखा था कि जो 42 सीटों के दल था, उनके भी प्रधानमंत्री बने थे। तो समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा की सीट है। हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएंगे, सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक अच्छा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे, जो उनके काम है वो आज भी जनता याद करती है। देश में आदरणीय अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की इच्छा है। इंडिया गठबंधन के साथियों को भी इस पर विचार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल था, आजम खान को जेल भेजा गया, उन्होंने कहा कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है, उन्होंने बाकायदा बाइट दी मीडिया को, बयान दिया दूर से। देखिए, माननीय आजम साहब के साथ, उनके परिवार के साथ जितना जुल्म और ज्यादती हो रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ, उसके परिवार के साथ इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुए। बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की दुकान में लूट जैसे मुकदमे लिखाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करती है कि माननीय आजम साहब, उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। समाजवादी पार्टी उनकी न्यायिक जो लड़ाई है उसमें पूरी मदद कर रही है। हमें पूरा विश्वास है देश की न्यायपालिका पे कि जैसे पहले एक मुकदमे से वो बाइज्जत बरी हुए थे, सरकार के अधिकारी पे टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने उनको बरी किया था, इस मामले से भी पूरा परिवार वो बाइज्जत बरी होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के नेता है और कह रहे हैं हम लोगों की इच्छा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।